आज बनाते हैं मोदक। इस वाले मोदक के लिए आपको किसी भी तरह की चाशनी बनाने की जरूरत नहीं है, इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो चलिए आज की ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में आधा कप घी लेंगे। घी मेल्ट हो जाए फिर इसमें एक कप गेहूं का आटा डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब इसे लो फ्लेम पे चलाते हुए रोस्ट करेंगे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि आटा बिल्कुल अच्छे से भुन जाए और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि फ्लेम को लो टू लो मीडियम ही रखें, फ्लेम को हाई बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आटा ब्राउन तो हो जाएगा पर अच्छे से रोस्ट नहीं होगा। बराबर चलाते हुए रोस्ट करेंगे। 5 से 6 मिनट रोस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि घी वापस से रिलीज होने लगा है और आटे से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। बस 1 से 2 मिनट और इसे रोस्ट करेंगे। शुरू में जब आप आटे को भून रहे होंगे तो आटा थोड़ा ड्राई लगेगा, पर जब वो अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो वो इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा उसका। आटा अब काफी हद तक भून चुका है तो इसमें बाकी की चीजें ऐड कर देते हैं। इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ काजू, पिस्ता और बादाम डाल देंगे। आधा बड़े चम्मच घिसा हुआ नारियल डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इसे लगभग 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। ये मोदक का मिक्स अब बिल्कुल रेडी है तो इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। इसे फैला के 3 से 4 मिनट तक थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और आटा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अभी भी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, बस इसी स्टेज तक ठंडा करना है हमें इसे। अब इसमें 3/4 कप गुड़ डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आटा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और कंप्लीटली ठंडा भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा वार्म रहना चाहिए। उस स्टेज पे आप इसमें गुड़ ऐड करें। अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल ना हो तो आप गुड़ की जगह पे चीनी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये बैटर बन नहीं रहा है और अच्छे से कंबाइन नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी या थोड़ा सा दूध डाल के इसे कंबाइन कर सकते हैं। पर जितना घी हमने आटे में डाला है उतना घी इसके लिए सफिशियंट होता है। क्योंकि आटा अभी भी हल्का गर्म है तो इसकी वजह से गुड़ थोड़ा सा मेल्ट होगा और आपको मोदक बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसी तरह से गुड़ को इसमें मिक्स करते जाएंगे जिससे कि ये बिल्कुल एक डो की तरह बन जाए। मोदक का मिक्स अब बिल्कुल रेडी है तो अब मोदक बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास ये मोदक मोल्ड अवेलेबल है। मोदक मोल्ड मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसे बिल्कुल थोड़े से घी से ग्रीस कर लेंगे। अगर किसी भी स्टेज पे आपको लगे कि आपका मोदक बाइंड नहीं हो पा रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा घी या थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मोदक मोल्ड ना हो तो आप इसे लड्डू का भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा मोदक बन के रेडी हुआ है। इसी तरह से सारे मोदक बना के रेडी कर लेंगे। और ये हमारा मोदक बन के बिल्कुल रेडी है। अगर ट्राई करने के बाद ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू अगेन विद माय नेक्स्ट वीडियो।